नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग में एक माह को 30 दिनों में बांटा गया है। इन 30 दिनों को दो दो पक्षों में बांटा जाता है, जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च 2021 में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां कब से कब तक रहेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है, उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है और जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। मान्यता है कि जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता। चलिए जानते हैं कि मार्च 2021 में कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या रहेंगी। मार्च 2021 में कृष्ण पक्ष की तिथियां 1 मार्च से 13 मार्च तक रहेंगी। 1 मार्च को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। वहीं 13 मार्च को फाल्गुन अमावस्या है। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष की तिथियां 29 मार्च से 31 मार्च तक रहेंगी। 29 मार्च को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि मार्च 2021 में शुक्ल पक्ष की तिथियां क्या रहेंगी। मार्च 2021 में शुक्ल पक्ष 14 मार्च से 28 मार्च तक रहेगा। 14 मार्च को फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। वहीं 28 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है। तो ये थी जानकारी मार्च 2021 में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तिथियों की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।